अभी साल भर में जो हम लोगों ने विकास को गति दिया है, आपके लिए जो हम लोगों ने काम किया है, उस काम को देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लग गया है। और आज एन प्रकारेण ये हमारे विरोधी दल अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर आपके लिए काम कर रहे, हमारे योजनाओं पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। आज 32 का खतियान जब हम लागू करने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हम लोग 2002 में ही लेके आए थे। हाँ, आप लोग जरूर 2002 में लाए थे, लेकिन आपने ऐसा कानून लाया जहां खून खराबा होना प्रारंभ हो गया था, अनेकों लोगों की जानें चली गई, पुलिसकर्मी की जान चली गई, आम लोगों की जानें चली गई। लेकिन आज हम ऐसे 1932 का खतियान लाते हैं जहां गांव देहात में लोग झूम झूम कर उसको अपनाने का काम करते हैं और उसको गले लगाने का काम करते हैं। 1932 के खतियान को लेकर ये लोगों ने, इनको जवाब देने में 30 घंटा लग गया और एक कागज का पन्ना मिला करके उसको पढ़ना प्रारंभ किया। हम तो यही कहते हैं ये ऐसे कानून बनाते हैं जहां पर लोगों का खून बहता है, लेकिन जहां हम वहीं पर हम लोग ऐसे कानून लाते हैं जहां पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग उसको अपनाने के लिए खड़ा होता है और रंग गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करता है। यही फर्क है, यही सोच है हमारे और उनमें। हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, आदिवासी गैर आदिवासियों से लड़ाओ, बाहरी भीतरी करके लड़ाओ, यही उनका मकसद रहा। हर समाज में द्वेष की जहर डालने का काम कर रहा है। आप बताओ, रोज नया नया सिनेमा आपको दिखाएगा, नया नया ड्रामा दिखाएगा, ड्रामा से पेट नहीं भरेगा। ये पूरा देश विगत 2 साल कोरोना में उलझा रहा और अब हम लोग का इस राज्य में सुखाड़ की स्थिति है। अभी हम लोगों ने स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो 50,000 रुपया लोन बिना गारंटी का देने का काम किया था और बड़े पैमाने पर उस लोन को लोगों ने लिया भी, आज पुनः कल के इस निर्णय में उस 50,000 को 1,00,000 रुपया कर दिया गया और उसमें कोई गारंटी लगेगा नहीं और आप स्वरोजगार अपना काम कर सकते हैं। और तो और, जहां ना कमीशन आए पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख टका होना लगी और सरकार रिने हुआ और होना लगी और साधारण जहां गया अपन जेल उपरूम होड़को सरकारी गैर सरकारी रे कमियानी होड़को जनप्रतिनिधि को आपे रेन गारंटर को बिनाव दड़े आ और आपे लोन पे हटाओ दड़े। कई एक चीजें, आज आप ट्रैक्टर लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, टेम्पो लीजिए, रिक्शा लीजिए, कोई गारंटी नहीं लगेगा गाड़ी मोटर में और आप अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। जिसको नौकरी मिलना है, नौकरी के भी दरवाजे खुल रहे हैं। 20-25 हजार की टीचर की नियुक्ति बहुत जल्द निकलने जा रही है। जेपीएससी में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, कई संवर्ग में अभी नियुक्तियां निकलने जा रही है। जिसको नौकरी मिलेगा वो नौकरी करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो स्वरोजगार के माध्यम से खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है। तो कई ऐसी चीजें, बहुत सारी बातें हम हो सकता है कि समय अभाव में नहीं बता पाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आज आप लोगों के हर सुख दुख का चिंता हमारे हमें है और इन कम समय में भी जितने समस्याओं का समाधान हम कर पा रहे हैं वो आपके समक्ष है। लेकिन हमारे षड्यंत्रकारी विरोधी दल लोग, हम चाहते नहीं है कि हम आपके लिए काम करें, वो चाहते नहीं कि यहां पर 32 का खतियान लागू हो।
ये चाहते नहीं कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, ये चाहते नहीं यहां के नौजवानों को नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं यहां के सरकारी कर्मचारियों का समाधान हो, ये चाहते नहीं यहां के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समाधान हो, ये चाहते नहीं कि यहां के रसोइयों का समाधान हो। अनेकों ऐसी समस्याएं जो 20 सालों तक इन लोगों ने इसको एक ऐसा उलझा के रख दिया कि यहां का ना कर्मचारी खुश, ना यहां का आम नागरिक, ना किसान, ना मजदूर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।